क्लास इस वीडियो के अंदर हम आपका फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन का टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिक्विड है, आप उस लिक्विड को हीट कर रहे हैं, तो जब आप उस लिक्विड को हीट करोगे तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, अब बढ़ते 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 एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा उसका कि जब वो लिक्विड आपका बॉइल करने लग जाएगा और बॉइल करने की वजह से वो लिक्विड अपना लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर पर आपका कोई भी लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है उस टेम्परेचर को हम आपका क्या बोलते हैं, उस लिक्विड का बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक कंटेनर के अंदर वॉटर और उस कंटेनर को हम हीट करने लगते हैं। ठीक है, तो जब हम उस वाटर को हीट करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है और बढ़ते बढ़ते जब वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तो वाटर आपका बॉइल करने लग जाता है, यानी कि वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो इस 100 डिग्री सेल्सियस के इस टेम्परेचर को हम आपका वाटर का क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब क्या है, अगर मैं वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दूं तो ऑटोमेटिकली वाटर आपका बॉइल करने लग जाएगा और अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉइलिंग का प्रोसेस, क्लियर। अब हम आते हैं इवेपोरेशन की प्रोसेस में। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस में भी क्या होता है, आपका लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इवेपोरेशन की प्रोसेस को वाटर के लिए समझूं तो आपका हम कैसे समझेंगे उसको, हम ये समझेंगे आपका कि अगर मेरा लिक्विड वाटर आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है लेकिन लिक्विड वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत ही नीचे है, यानी कि उससे बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी लिक्विड वाटर आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रोसेस आपकी कौन सी है, इवेपोरेशन की प्रोसेस है। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस की पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन ये है कि इवेपोरेशन की प्रोसेस के अंदर कोई भी लिक्विड अपनी गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन आपकी इवेपोरेशन की हो गई जिसके अंदर आपका कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपकी इवेपोरेशन की क्या हो गई, वो लिक्विड अपनी गैसियस स्टेट में तो जरूर कन्वर्ट होता है लेकिन उस लिक्विड का टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट के बराबर नहीं होता है, यानी कि लिक्विड आपका अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे, यानी कि अपने बॉइलिंग पॉइंट से लेस देन वाले टेम्परेचर पर आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होता है। ये आपकी हो गई दूसरी कंडीशन इवेपोरेशन की, यानी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस के अंदर आपका कोई भी लिक्विड गैसियस स्टेट में जरूर कन्वर्ट होता है लेकिन उसका टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से बहुत ही कम होता है, यानी कि लेस देन दैट होता है, यानी कि बिलो दैट होता है। ठीक है, यानी कि जब भी किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से लेस देन हो, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे हो, बिलो उसके बॉइलिंग पॉइंट के हो, और वो लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो इसका मतलब वो प्रोसेस आपकी क्या है, इवेपोरेशन है। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड कंडीशन आपकी इवेपोरेशन की। अब थर्ड कंडीशन समझने के लिए हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि अगर वॉटर का टेम्परेचर जो कि आपका लिक्विड स्टेट में है, अगर उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं है तो वाटर आपका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कैसे जा रहा है, हमें तो पता है वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में तभी जाता है जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और इवेपोरेशन की प्रोसेस में वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं होता, उससे बहुत ही कम होता है, फिर भी वाटर आपका अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में आपका जा रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है ऐसा कैसे। ठीक है, तो ऐसा ऐसे कि जो वाटर होता है वो अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वाटर अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है तभी वो आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पाता है, क्योंकि हमें पता है अगर आपका वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो जरूर वाटर को आपका कहीं ना कहीं से तो एनर्जी मिल रही होगी, तभी हीट एनर्जी मिल रही होगी, तभी आपका वाटर अपने लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा पा रहा है ना। अगर हम वाटर को खुद से हीट एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं फिर भी लिक्विड वाटर आपका गैसियस
स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो लिक्विड वाटर आपका अपने आसपास के सराउंडिंग से, एनवायरमेंट से जरूर हीट एनर्जी गेन कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से लिक्विड वाटर आपका गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो पा रहा है आपका। तो यानी कि तीसरी कंडीशन आपकी इवेपोरेशन की क्या हुई कि इवेपोरेशन के अंदर कभी भी हम लिक्विड को डायरेक्टली हीट नहीं करते हैं, वो लिक्विड अपने आप अपने आसपास के एनवायरमेंट से यानी कि सराउंडिंग से हीट एनर्जी को गेन करके गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन इवेपोरेशन की। अब अगर हम तीनों कंडीशंस को क्लब अप करें तो इवेपोरेशन की प्रोसेस आपकी कौन सी प्रोसेस होगी? इवेपोरेशन की प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसके अंदर आपका, अगर मैं इस इवेपोरेशन की प्रोसेस को वाटर के लिए अंडरस्टैंड कर रही हूं, तो इवेपोरेशन की प्रोसेस आपकी वाटर के लिए आपकी क्या होगी? इवेपोरेशन की प्रोसेस वाटर के लिए वो प्रोसेस होगी आपकी जिसके अंदर वाटर आपका अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका कन्वर्ट हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। यही हुआ ना आपका? तो हमने यहाँ पर तीनों कंडीशंस लिख दी। हमने ये भी बता दिया कि पहली कंडीशन बता दी कि इवेपोरेशन की प्रोसेस में वाटर अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है। हमने दूसरी कंडीशन भी बता दी कि लिक्विड वाटर आपका यहाँ पर जो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है उसमें लिक्विड वाटर का जो टेम्परेचर है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर से कम है, और हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर आपका लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हमने दूसरी कंडीशन भी आपकी कवर कर ली, ठीक है, इवेपोरेशन की यहाँ पर। और तीसरी कंडीशन में मैंने आपका ये बता दिया कि अगर वाटर आपका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा रहा है और मैं इस वाटर को डायरेक्टली हीट भी नहीं कर रही हूँ, तो ये वाटर इस वाटर को कहां से हीट एनर्जी मिल रही है कि ये आपका अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जा पा रहा है? तो वो हीट एनर्जी इस लिक्विड वाटर को अपने आसपास के एनवायरमेंट यानी कि सराउंडिंग से आपका मिल रही है, जिसकी वजह से ये लिक्विड वाटर अपने गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इवेपोरेशन की प्रोसेस को अगर आप वाटर के लिए डिफाइन करोगे तो वो क्या प्रोसेस होगी? जिस प्रोसेस के अंदर आपका वाटर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है बिलो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम दी सराउंडिंग्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज योर इवेपोरेशन। सो इवेपोरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द गैसियस स्टेट बिलो 100 डिग्री सेल्सियस By absorbing heat from the surroundings, ठीक है। तो अब अगर मैं इस प्रोसेस को जनरलाइज कर दूं किसी भी लिक्विड के लिए, तो हम आपका क्या बोलेंगे? हम आपका बोलेंगे अगर हम किसी भी लिक्विड को आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करा रहे हैं, गैस को हम वेपर स्टेट भी बोलते हैं आपका, तो अगर किसी भी लिक्विड को आप गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट करा रहे हो और उस लिक्विड का टेम्परेचर लेस देन है आपका बॉइलिंग पॉइंट से, ठीक है, और वो लिक्विड एक्चुअल में अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम आपका क्या बोलेंगे? इवेपोरेशन बोलेंगे। तो हम ये कहेंगे इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड हेंस कन्वर्ट्स इनटू द गैसियस और वेपर स्टेट इज नोन एज योर इवेपोरेशन। ठीक है, तो इवेपोरेशन आपकी वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को गेन करके अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर आपका गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उस इस प्रोसेस को हम आपका क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है जब लिक्विड आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है इवेपोरेशन की प्रोसेस के अंदर, तो हमें ये चीज अच्छे से पता है जब भी कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है तो उसकी हीट को हम आपका क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। जब भी कोई भी सब्सटेंस अपनी स्टेट को चेंज करता है और उस स्टेट को चेंज करने में जो भी हीट आपकी यूटिलाइज होती है उस हीट को हम आपका क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। क्योंकि यहां पर भी सब्सटेंस अपनी लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है अपने आसपास के सराउंडिंग से हीट एनर्जी को गेन करके, तो इसका मतलब ये हीट भी आपकी क्या होगी? लेटेंट हीट होगी। क्यों? क्योंकि इस हीट को एब्जॉर्ब करके सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है, यानी कि वो अपनी फिजिकल स्टेट को लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि
आपका लिक्विड अपने आसपास के एनवायरमेंट से यानी कि सराउंडिंग से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके आपका लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में आपका कन्वर्ट हो रहा है बिलो बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर के। तो इस प्रोसेस को हम आपका क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन बोलेंगे। तो इवेपोरेशन की प्रोसेस में लिक्विड आपकी जो भी हीट अपने आसपास के सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करता है उसको हम आपका लेटेंट हीट बोलते हैं, क्योंकि लेटेंट वर्ड आपका तभी लगता है जब कोई भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर रहा है उस हीट को एब्जॉर्ब करके। तो लेटेंट हीट हम उस हीट को बोलते हैं जो हीट आपकी किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट को चेंज करने में यूज होती है। तो क्योंकि यहां पर भी जो सब्सटेंस है वो अपनी फिजिकल स्टेट लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जो ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, इस हीट को भी हम आपका क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। क्योंकि यहां पर भी सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट को लिक्विड स्टेट को चेंज करने के लिए इस हीट एनर्जी का यूज कर रहा है, ठीक है। तो इसी वजह से हम इस हीट एनर्जी को आपका क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट बोलेंगे। अब क्योंकि हमें पता है जब भी कोई भी लिक्विड आपका गैसियस या वेपर स्टेट में जाता है तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन बोलते हैं, इसीलिए हम इस हीट को आपका क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी कि वो हीट आपकी जो वेपराइजेशन की प्रोसेस में यूज हो रही है। वेपराइजेशन की प्रोसेस का मतलब क्या है कि लिक्विड आपका गैस स्टेट में आपका कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो उसे हम आपका बोलते हैं वेपराइजेशन, क्लियर। तो जब भी आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में जाएगा तो हम उस प्रोसेस को आपका बोलेंगे वेपराइजेशन। और जो भी हीट आपका लिक्विड इस प्रोसेस के अंदर आपका यूज करेगा उसे हम आपका बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये हीट जो आपका लिक्विड अपने आसपास के सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट या वेपर स्टेट के अंदर जा पाए, तो इस हीट को हम आपका क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे, क्लियर। तो अब अगर मैं आपका इवेपोरेशन की डेफिनेशन को दोबारा से अगर मैं डिफाइन करती हूं तो वो क्या होगी। इवेपोरेशन की प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पर अपने आसपास के सराउंडिंग से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करके अपनी फिजिकल स्टेट को लिक्विड से गैसियस या वेपर स्टेट में आपका कन्वर्ट कर देता है, उस प्रोसेस को हम आपका क्या कहते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इवेपोरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी इवेपोरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। अब क्लास अगर इस इवेपोरेशन की डेफिनेशन को हम ध्यान से देखें तो हमारे इवेपोरेशन की डेफिनेशन के अंदर हम लिक्विड को डायरेक्टली हीट नहीं कर रहे, लिक्विड अपने आप अपने आसपास के एनवायरमेंट से सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, है ना। तो अगर इवेपोरेशन की प्रोसेस में लिक्विड अपने आसपास के सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसका मतलब सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी अब क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो हीट एनर्जी किसने एब्जॉर्ब कर ली, इस लिक्विड ने एब्जॉर्ब कर ली। और अगर सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी कम हो जाएगी तो इसका मतलब सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा। सराउंडिंग्स का टेम्परेचर फॉल कर जाएगा तो इसका मतलब सराउंडिंग में कौन सा इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा, कूलिंग इफेक्ट आपको ऑब्जर्व होगा। तो यानी कि जब भी इवेपोरेशन होगी हमेशा इवेपोरेशन के अंदर लिक्विड अपने सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और इस प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी कम हो जाएगी और उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सराउंडिंग में हमेशा क्या आएगा, एक कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो यही वजह है हम ये कहते हैं कि इवेपोरेशन की प्रोसेस में हमेशा जो सराउंडिंग का एरिया होता है उसमें हमेशा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। क्यों कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि लिक्विड आपका सराउंडिंग की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो वेपर स्टेट में जा सके यानी कि गैसियस स्टेट में जा सके। और हीट को जब लिक्विड आपका सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसका टेम्परेचर क्या कर जाता है, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर फॉल कर जाता है, यानी कि उसमें आपका कूलिंग इफेक्ट आपका ऑब्जर्व होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, इसे आप एक्सप्लेन करो, तो आप कैसे करोगे, तो आप लिखोगे क्योंकि इवेपोरेशन के प्रोसेस में आपका लिक्विड गैसियस स्टेट में या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है बाय अब्सॉर्बिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स,
जिसकी वजह से सराउंडिंग्स की हीट एनर्जी कम हो जाती है, उसका टेम्परेचर फॉल कर जाता है और जिसकी वजह से सराउंडिंग्स में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो अब इसका आंसर हम क्या लिखेंगे कि इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग, एक्सप्लेन करो इसे। तो यानी कि इवेपोरेशन हमेशा सराउंडिंग्स में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, आप ये लिखोगे सिंस इन इवेपोरेशन एनी सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैशियस और वेपर स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फ्रॉम द सराउंडिंग्स ड्यू टू विच हीट एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स डिक्रीजेस, ठीक है, एंड हेंस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग फॉल्स एंड हेंस वी ऑब्जर्व कूलिंग इफेक्ट इन द सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये अब आपका हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके दो क्वेश्चंस कवर किए हैं, पहला एक तो कि इवेपोरेशन क्या होता है और दूसरा आपका इवेपोरेशन हमेशा कूलिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस करता है, ये क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन हमने आपके इस वीडियो में आपके कवर कर दिए हैं, ठीक है।